देर आर न्यूमरस इफेक्टिव ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो ट्रेडर्स को हेल्प करता है मार्केट को मॉनिटर करने में, रिटर्न्स को एम्प्लीफाई करने में और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को सीमलेसली मैनेज करने में. वन सच स्ट्रेटजी इज द स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रेटजी. हाय गाइस, वेलकम टू धन. आज के वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रैडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रेटजी को न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रेटजी माना जाता है, जिसमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी और ट्रेडिंग रेंज को एंटिसिपेट किया जाता है बाय बाइंग टू अपोजिंग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये स्ट्रेटजी काफी इफेक्टिव रहता है व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट अबव और बिलो द प्राइस पेड टू एक्वायर द ऑप्शंस. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रैडल ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी? स्ट्रैडल स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बाय करना है एक पुट ऑप्शन और एक कॉल ऑप्शन विद द सेम एक्सपायरेशन डेट एंड द स्ट्राइक प्राइस. अंडरलाइन सिक्योरिटी कोई भी हो सकती है, जैसे कि स्टॉक्स या फिर करेंसी पेयर्स. स्ट्रैडल का गोल है कि अंडरलाइन एसेट की अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट से प्रॉफिट किया जाए as long as the movement is significantly above the premium paid to acquire the two types of option contracts. Is strategy se do cheeze forecast ki jati hai. First is kisi particular asset se kitna volatility anticipate kiya jata hai and dusra underlying asset ka trading price range kya rahega with an assertive expiry date. Expiry par trade karne ke liye आप एक्सपायरी डेट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का वीकली एक्सपायरी थर्सडेस पर होता है और मंथली एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे पर होता है. आपने प्रोबेबली गेस कर लिया होगा कि आपको अपने गोल्स के हिसाब से स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के वेरिएशंस यूज करने हैं. सो लेट्स डिस्कस देम एट लेंथ. स्ट्रैडल स्ट्रेटजी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जो आपको मार्केट न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव रहने में मदद करेगा. लेकिन ट्रेडिंग करने में आप इस स्ट्रेटजी को इनकॉर्पोरेट करें उससे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. फर्स्ट वन इज द लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी. लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी में एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन को सेम स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन डेट पर खरीदा जाता है. ये स्ट्रेटजी ज्यादातर यूज की जाती है जब ट्रेडर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में शार्प प्राइस मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. लेकिन एवरी ट्रेडर मे नॉट बी अवेयर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. इस वजह से वॉलेटाइल मार्केट में सिग्निफिकेंट राइज या एब्रप्ट फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑफ कोर्स ट्रेडर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करके ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी का मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेडर्स को ऑप्शंस ट्रेडिंग मिस्टेक से बचाना बाय हेल्पिंग देम टू सॉल्व द डायरेक्शन डिलेमा. सबसे बड़ा चैलेंज है चेंज के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना. इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग कि अंडरलाइन एसेट का प्राइस राइज या फॉल होगा, इट इज एन आइडियल चॉइस टू रिलाई ऑन अ लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी. सेकेंड वन इज अ शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी. Unlike the long straddles, short straddle strategy में एक short call option होगा और एक short put option होगा, जिसका same strike price और expiration date होगा. ये strategy net credit और profits के लिए practice किया जाता है जब underlying asset का price break-even points के बीच में होगा while being in the narrow range. मार्केट जब मार्जिनली वॉलेटाइल होगा तब ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट स्ट्रैडल्स एक काफी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं. ये सिचुएशन ट्रेडर्स को हेल्प करती है ऑप्शन सेलिंग से प्रीमियम कमाने में. लेकिन प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ प्रीमियम्स अ ट्रेडर कैन अक्यूमुलेट व्हाइल शॉर्टिंग द कॉल एंड पुट ऑप्शंस. चलिए आगे बात करते हैं अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ स्ट्रैडल स्ट्रेटजी. सबसे पहला फायदा है लिमिटेड रिस्क. इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक मेजर बेनिफिट ये है कि आप उससे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बाय लोअरिंग द रिस्क. लेकिन कैसे? दिस इज जस्ट बिकॉज ये रिस्क को लिमिट करती है
अप टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड फॉर द ऑप्शंस। लेकिन ये ध्यान रखें कि सिर्फ लॉन्ग स्ट्रैडल्स के लिए लिमिटेड रिस्क है, पर शॉर्ट स्ट्रैडल्स में अनलिमिटेड रिस्क होता है। सेकंड बेनिफिट इज मार्केट वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी बढ़ने पर उस अंडरलाइंग एसेट के ऑप्शंस के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। अगर आपको पता है कि मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, फिर भी आपको किसी भी डायरेक्शन के प्राइस मूवमेंट से परेशान नहीं होना पड़ेगा। थर्ड बेनिफिट इज इट इज अ पावरफुल स्ट्रेटजी बिफोर द बिग इवेंट। स्ट्रैडल एक रोबस्ट स्ट्रेटजी होता है जब आपको किसी भी बड़े इवेंट से पहले पोजीशंस लेने हैं, जैसे कि पार्लियामेंट का बजट सेशन, इलेक्शन के रिजल्ट्स या कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कंसीडरिंग द इंपैक्ट ऑफ दीज इवेंट्स, आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके अपने प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस एनहांस कर सकते हैं। लेट्स चेक आउट सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रैडल स्ट्रेटजी। फर्स्ट वन इज स्ट्रैडल स्ट्रेटजी इज नॉट सूटेबल फॉर स्टेबल मार्केट्स। जब मार्केट स्टेबल होता है तब स्ट्रैडल अप्लाई करना बेनिफिशियल नहीं होता। दिस इज बिकॉज अंडरलाइंग एसेट का प्राइस मूवमेंट इज नॉट मोर देन द अमाउंट द ट्रेडर्स पे, तो उन्हें ऑप्शन खरीदने का फायदा नहीं दिखेगा एंड दिस मे रिजल्ट इन नो यूज ऑफ द स्ट्रैडल स्ट्रेटजी। स्टेबल मार्केट्स में स्ट्रैडल स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करना रिलेटिवली हायर रिस्क इन्वॉल्व करता है एंड मेक्स अ ट्रेडर प्रोन टू लॉसेस इफ बोथ द ऑप्शंस एक्सपायर एट द मनी व्हिच टर्न्स देम वर्थलेस। सेकंड वन इज बिगर प्राइस मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में बिगर प्राइस मूवमेंट्स ऑब्जर्व करना इज नेसेसरी टू अर्न डीसेंट प्रॉफिट्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रैडल स्ट्रेटजी। लेकिन अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में शार्प प्राइस फ्लक्चुएशंस हर बार पॉसिबल नहीं होते। यही रीजन से स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के फेल होने के चांसेस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू लूज मनी व्हाइल यूजिंग अ स्ट्रैडल स्ट्रेटजी। जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ऑप्शंस पर ट्रेड प्रीमियम से ज्यादा मूव नहीं होगा, तब ये सिचुएशन में ट्रेडर को लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इन अनदर सिनेरियो ट्रेडर को लॉस फेस करना पड़ सकता है जब एसेट का प्राइस एक्सपायरेशन के टाइम स्ट्राइक प्राइस के बराबर होता है एंड इन दिस सिचुएशन बोथ ऑप्शंस विल एक्सपायर विदाउट एनी वर्थ। लेकिन पोटेंशियल लॉस सिर्फ स्ट्रैडल कॉस्ट प्लस कमीशन तक सीमित रहता है। यही एक सोल रीजन है जिसकी वजह से इंट्राडे स्ट्रैडल स्ट्रेटजी को कई ट्रेडर्स एग्जीक्यूट करते हैं जब मार्केट शार्प मूव्स और हायर वॉलेटिलिटी सिग्नल्स देता है टू मैक्सिमाइज देयर गेन्स। स्ट्रैडल स्ट्रेटजी हेल्प्स यू लेवरेज न्यूट्रल पोजीशंस, जो रिटर्न जनरेट करने में मदद करता है। ये स्ट्रैटेजी का गोल है एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन को बाय या सेल करना, विच हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट से ल्यूक्रेटिव गेन्स हो सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बिगिनर्स और एडवांस ट्रेडर्स दोनों के लिए गो टू स्ट्रैटेजी हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स माना जाता है और जनरली सीजन ऑप्शन ट्रेडर्स ही एग्जीक्यूट करते हैं। Either way, आपको अपने goals और अपने risk appetite के हिसाब से options trading strategies choose करनी चाहिए। And not to forget कि आपके starting capital और आप जो online trading platform use करते हैं, उनका भी आपकी strategy पर effect होगा। Investment and securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.